नो डाउट कि वो अच्छा खेले काफ़ी, लेकिन सेकेंड हाफ हम लोग के फेवर में था, बट गोल स्कोरिंग का थोड़ा हम मानेंगे कि आउटकम जो हम लोग को ज़रूरत है वो नहीं हो पाया अच्छे से जो हम चाहते थे। सो यही कि जर्मनी डिफेंस में नो डाउट बहुत अच्छा खेलती है और उन्होंने साबित भी किया। सो उनसे यही लर्न करेंगे कि नेक्स्ट मैच जो हम लोग खेलेंगे उसमें हार्ड रहें और दे डिज़र्व, ये जो जीत है वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खेले। और आई होप कि हम लोग नेक्स्ट में जो अभी गलती करें वो ना दोहराएं दोबारा से। यही था कि टारगेट यही था डी के अंदर जाएं तो गोल शॉट या फिर पेनल्टी कॉर्नर मैक्सिमम बनाएं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। सो इस पर हम लोग बैठ के बात करेंगे ताकि नेक्स्ट मैच जो भी है उसमें हम लोग ये गलती दोबारा ना करें। बुरा तो नहीं, एज अ टीम हम लोग काफ़ी अच्छा खेले हैं क्योंकि जो पिछला मैच हम लोग अटैकिंग कम किए थे लेकिन इस टाइम सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा रहा। सो यही कि हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग के पास अभी एक और चांस है ब्रॉन्ज मेडल का, सो हेड अप करके हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ज़रूर हम लोग वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीत सकते हैं। नो फिजिकली का नहीं, जैसे बोला जाए तो हम लोग के पास कुछ अलग क्वालिटी है और उनके पास अलग है, सो हम लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे थे ना कि उनके ऊपर। सो यही था हम लोग का, जो हमारे पास स्किल है हम उनसे उनको बीट करें तो बेहतर रहेगा। यही कि जैसे वो लोग का छोटी छोटी चीज़ें फ्रंट जंप इन फ्रंट वाला जैसे बोलते हैं कोच कि बॉल जब आए तो हम लोग को आगे जाना है, वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे तो हम लोग को यही चीज़ उनसे सीखना है कि जो चीज़ वो उन्होंने बेहतर किया उनके फॉरवर्ड आगे आके रिसीव कर रहे थे वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर हम लोग भी पीसी कर सकते हैं कन्वर्ट।